हेलो फ्रेंड्स, यमी फूड लाइव में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ तीखा चटपटा मजेदार हनी चिली पोटैटो की रेसिपी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का। घर के बहुत ही कम सामान के साथ इसको हम बनाएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर से देखें। चलिए झटपट से बनाना शुरू करते हैं। हनी चिली पोटैटो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए 4 मीडियम साइज के आलू, जिसको मैंने छील लिया है और उसको मैंने पानी में रखा है ताकि आलू काला ना पड़े। आलू को मैं फ्रेंच फ्राइज के जैसे लंबे लंबे पीसेस में काट लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमें लंबे लंबे पीसेस में काट लेना है। सारे आलू को आप इसी तरह से एक साइज में काट लीजिए। अब इन कटे हुए आलू को एक बार मैं पानी में अच्छे से धो लेती हूँ। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच चावल का आटा। हमें यहाँ पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, आलू गीला है तो चावल का आटा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। चावल का आटा इसमें मिक्स करने से हमारे आलू एकदम कुरकुरे बनेंगे। ये देखिए आलू कितना स्नोई लग रहा है और चावल का आटा इसमें अच्छे से मिल भी गया है। तो ये हमारा आलू अब बिल्कुल तैयार है। चलिए अब इस आलू को फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पे तेल को मीडियम फ्लेम में गर्म होने के लिए रखा है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ये आलू डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं अभी आधा ही आलू डाल रही हूँ, बाकी आधा को मैं बाद में फ्राई कर लूंगी। अभी हम इस आलू को लगभग 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे ताकि आलू अच्छे से अंदर तक पक जाए। आलू को फ्राई करते हुए मुझे लगभग 5 से 6 मिनट हो चुका है। अब ये आलू अच्छे से पक चुका है। यहाँ पे हमें आलू को बहुत ज्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, तो अब मैं ये आलू को निकाल रही हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा से ये फ्राई हुआ है। इसी तरह से मैं दूसरा बैच का आलू भी फ्राई कर लेती हूँ। दूसरा बैच का आलू को भी हमने फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे हमें गैस को बंद नहीं करना है, बल्कि हमें गैस का फ्लेम एकदम हाई कर देना है ताकि तेल एकदम हाई फ्लेम में गर्म हो जाए, क्योंकि हम इन सारे आलू को दोबारा से फ्राई करेंगे ताकि आलू एकदम क्रिस्पी बने। तेल एकदम गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं सारे आलू को एक साथ डाल देती हूँ। यहाँ पे आप आलू को बीच बीच में चलाते रहिए ताकि सारे आलू एक बराबर से फ्राई हो और कोई आलू जले नहीं। अभी देखिए यहाँ पे ये आलू एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और ये गोल्डन ब्राउन भी हो गए, तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। यहाँ पे आप आलू का आवाज सुन सकते हैं, कितना क्रिस्पी बना है ये। अभी मैं आपको इस आलू को हिला के दिखाती हूँ, तो सुनिए इसकी आवाज, एकदम लग रहा है ना बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज के जैसे क्रिस्पी। आप चाहे तो इस आलू को फ्रेंच फ्राइज के जैसे भी खा सकते हैं। तो अब ये हमारा आलू बिल्कुल तैयार है। चलिए अब इसका हनी चिली पोटैटो बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन को मीडियम फ्लेम में गर्म होने के लिए रखा है। इसमें मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच जितना तेल। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच बारीक से कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच बारीक से कटा हुआ अदरक, 5 से 6 लंबे कटे हुए हरी मिर्ची, क्योंकि ये हम चिली पोटैटो बना रहे तो यहाँ पे हम मिर्ची का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी को मैं हल्का सा भून लेती हूँ। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच सफेद तिल, इसको भी मैं इसमें हल्का सा भून लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 कटा हुआ टमाटर। इसमें तीखापन और ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्ची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2 चम्मच जितना टोमेटो सॉस और 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। टोमेटो सॉस और चिली सॉस से हमारे ये हनी चिली पोटैटो में एकदम बढ़िया फ्लेवर आएगा, तो आप इसमें ये जरूर से डालें। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार का डाल सकते हैं। और सारी चीज़ों को एक बार मैं फिर से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें मैं लगभग आधा कप जितना पानी डाल के थोड़ा सा पकने देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच जितना हनी। हनी से जो है ये हनी चिली पोटैटो को तीखापन एकदम बैलेंस करेगा। अगर आपके पास हनी नहीं है तो यहाँ पे आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा सॉस एकदम रेडी है। यहाँ पे मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और अब इसमें मैं ये फ्राइड आलू डाल देती हूँ। आलू को इस सॉस के साथ हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप इसको जितना जल्दी मिक्स कर लेंगे आलू आपका उतना ही क्रिस्पी बना रहेगा। तो ये देखिए हमारा तीखा चटपटा हनी चिली पोटैटो बन के रेडी है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा भुना हुआ सफ़ेद तिल डाल देती हूँ और थोड़ा सा हरी मिर्ची डाल देती हूँ। तो ये लीजिए हमारा तीखा चटपटा मज़ेदार हनी चिली पोटैटो बन के तैयार है। ये देखने में जितना अट्रैक्टिव लग रहा है, इसका टेस्ट उससे भी ज़्यादा लाजवाब है। तो आप ये रेसिपी को घर पे एक बार जरूर से ट्राई करिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो नीचे लाइक बटन जरूर से दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।
और बेल आइकन को भी जरूर से दबाएं ताकि मेरे नए रेसिपीज का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।